आज बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष घनशाली विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि आज बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में विकास का कार्य किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर पालिका पंचायत चुनाव, अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरे तन मन से बीजेपी को जिताने का कार्य करेंगे। विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लोगों का प्रयोग केवल राजनीति के लिए किया है, जबकि बीजेपी ने हमें पूरा सम्मान दिया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश नोटियाल, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कोहली, श्रीराम थपलियाल, आशा टमटा सभासद नरेंद्र नगर छतर सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रभारी अनुसूचित मोर्चा देवेंद्र मोल बेलवाल, विनोद तुड़ी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। टीम युकलाई। 9 साल की भारत सरकार की उपलब्धियाँ और अपने 6 साल की अपनी स्टेट गवर्नमेंट की उपलब्धियाँ। महासंपर्क अभियान के तहत हम गांव-गांव, घर-घर, प्रत्येक कस्बे में हमारा जाने का कार्यक्रम है और आज के बाद हमारा SC मोर्चा भी इस कार्यक्रम में लग जाएगा। यही हमारा प्रेस करने का मुख्य उद्देश्य भी था कि आज सारे हमारे अपने SC मोर्चे के सारे कार्यकर्ता, पूरी टीम, सारे मंडलों के अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं। सब लोगों से हम रूबरू होंगे और इसके बाद हम प्रत्येक मंडलों से इस कार्यक्रम को शुरुआत करने का भी काम करेंगे। आज का तो 24 घंटे तैयार रहती है, हम तैयार हैं और मुझे नहीं लगता कि कहीं हमारे सामने कोई चुनौतियाँ हैं। बशर्त हमें जाने की जरूरत है, अपने विकास कार्यों को जनता के सामने रखने की जरूरत है। मोदी जी ने देश के अंदर जो अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है, ये आप सारी जग जाहिर है। इसे हमें कहीं बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें जनता पे जाने की जरूरत है, अपनी बात को रखने की। आज को हमें सब एक कुप बनाने का काम किया है। उन्होंने कभी हमारे समाज के लिए हित की बात नहीं सोची है, उन्होंने तो सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया है। मैं बड़ी आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ, उन्हें कभी चिंतन नहीं किया हमारे समाज का, सिर्फ वोट बैंक के रूप में काम किया।